बताइए किसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं? हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री। हाँ, हेमंत सोरेन। हेमंत को, हेमंत को, हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन प्रति आदि बस्ती को साथ देता है, उसके लिए मदद कर रहे हैं, हर महीने 1000 दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम लोग का सरकार हेमंत सरकार ही रहे, काम किए वही महिला सम्मान योजना दिया, बाकी फूले झानो सावित्री बाई महिला लड़की लोग के लिए 5000 रुपया दे रहे हैं, किसी सिलाउन माफ की है, बाकी और ऐसा चीज है जल सहिया लोग के लिए फोन के लिए सब जिले में पैसा भेज दिए 12000 रुपया, जो भी दे रहे हैं 1000 या 2000 रुपया, इसे तो पहले सरकार कोई दिया नहीं, तो महिलाओं को मान सम्मान भी दे रहा है और उसका जो जितना बना उतना कर रहे हैं, और 20 बार बनाएंगे तो फिर भी काम करेंगे, इसलिए हेमंत सोरेन को देगा। जीतेगा तब ना देगा, इसे थोड़े देगा का? हाँ, जीतेगा तब देगा, और महिलाओं जला दे रहा है कि नहीं सही है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में झारखंड की जनता किसे आशीर्वाद देगी, किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि वो किसे मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती हैं। तो ऐसे में दीदी बताइए किसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को क्यों? क्योंकि वो अभी घर घर बेटी बहन सबको सम्मान मैया योजना दे रहा है, इसलिए उसी को वोट देंगे। फिर बिजली बिल भी माफ कर दिए, उसके बाद में केसीसी लोन भी माफ कर दिए, इसलिए हम लोग उन्हीं को वोट देने चाहते हैं। तो बीजेपी वाला भी तो बोल रहा है कि 2100 रुपया देगा तुमको दीदी योजना में। नहीं तो अभी तो नहीं ना दिए हैं, जो अभी हम लोग मिल रहा है उसी को इसलिए देंगे, वो तो बाद में देगा ना, इसलिए। क्या दादी किसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है? किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कौन में देवे कहाँ था ताहे जिन देवे? पैसा मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं मिल रहा आपको? किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? हेमंत सोरेन को। का है हेमंत सोरेन को बताइए? हेमंत सोरेन को क्यों बनाएंगे मुख्यमंत्री? वैसे हेमंत सोरेन प्रति आदिवासी को साथ देता है, आदिवासी को साथ देता है। दीदी किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? राजस्थान। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। का है हेमंत सोरेन को? क्या नहीं, हम लोग को दे रहा है मैया योजना तो बीजेपी वाला भी तो गोगो दीदी योजना में 2100 देगा, उन्हीं लेंगे। हम लोग यही दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी दे रहे हैं तो, नरेंद्र मोदी बोलते हैं, हेमंत सोरेन दे रहे हैं तो। हाँ, तो 1000 दे रहे हैं ना? तो 1000 में हम लोग खुश हैं, 1000 में। हाँ, हेमंत को, हेमंत को। आप किसको बनाएंगे? हेमंत सोरेन को। किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन। आप किसको बनाएंगे? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को। काहे बनाएंगे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री? गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं, हर महीने 1000 दे रहे हैं, इसलिए उसके हेमंत सोरेन के मदद कर रहे हैं हम लोग, इसलिए उसको मदद करेंगे। क्या लग रहा है किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन दादी किसको बनाएंगे इस बार मुख्यमंत्री? रामेश्वर राव। दादी किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? रामेश्वर राव को। काहे बनाएंगे मुख्यमंत्री? मंत्री बनाएंगे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे? डॉक्टर रामेश्वर राव। मंत्री बनाएंगे। मंत्री बनाएंगे तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? जानबो नहीं कर रहे उतना भैया। नहीं जान रहे? नहीं भैया। आप किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? रामेश्वर राव बनाएंगे मुख्यमंत्री। काम करता है इसीलिए। कैसा काम किया है? हम लोग तो बढ़िया काम कर रहा है, हम लोग का सोच से बढ़िया काम कर रहा है। क्या कहेंगे दीदी किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन को। काहे बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे कि महिला को हर तरह से लाभ दे रहे हैं, इसलिए। और क्या काम किए? काम किए वही महिला सम्मान योजना दिया, बाकी फूले झानो सावित्री बाई महिला लड़की लोग के लिए 5000 रुपया दे रहे हैं, केसीसी लोन माफ किए, बाकी और ऐसा चीज है जल सहिया लोग के लिए फोन के लिए सब जिले में पैसा भेज दिए 12000 रुपया, जो भी दे रहे हैं 1000 या 2000 रुपया, इसे तो पहले सरकार कोई दिया नहीं, तो महिलाओं को मान सम्मान भी दे रहा है और उसका जो जितना बना उतना कर रहे हैं, और 20 बार बनाएंगे तो फिर भी काम करेंगे, इसलिए हेमंत सोरेन को। आप किसको चुनेंगे दादी मुख्यमंत्री? किसको बनाना चाहेंगे? हेमंत सोरेन को। काहे?
हमको पैसा मिलता है। आपको पैसा मिलता है इसीलिए मुख्यमंत्री बना? हाँ जी, तो बीजेपी वाला भी बोल रहा है कि वो भी पैसा देगा, 2100 देगा। 2100 देगा, जीतेगा तब ना देगा, इसे थोड़े देगा का। हाँ। वो जीतेगा तब देगा, और वो मैया योजना दे रहा है कि नहीं, सही है तो वो दे रहा है, और बीजेपी जीतेगा तब देगा, और नहीं जीतेगा तब नहीं देगा। लेकिन हेमंत सोरेन देगा, दे रहा है तो दे रहा है तो अब तो 2500 देंगे ना, जीतेंगे तो। हाँ तो लेंगे, देगा तो लेंगे, लेंगे तो क्या करेंगे वो पैसा? क्या करेंगे, खाने पीने के लिए देगा तो खाने खाएंगे, पियेंगे, रहेंगे, जियेंगे, जागेंगे। 2500 में हो जाएगा? 2500 में हो जाएगा, जो भी होगा, जितना दिन होगा उतना दिन खाएंगे, और नहीं होगा तो फिर आएगा ना कि नहीं आएगा? क्या कहेंगे? एक महीना तक चलाएंगे ना 2500 रुपया, एक महीना चलाएंगे 2500। हाँ। आप किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? हेमंत सरकार काहे काहे कि देखिए, हम लोग का आदिवासी है, हम लोग का पूरा हम लोग का समाज को बचा के रख रहे हैं, और जो हम लोग का जो अभी मैया योजना, सावित्री बाई, राशारी सारा चीज ना कांग्रेस से ही सब कुछ उपलब्ध हुआ है, इसलिए हम तो बीजेपी घूम घूम के बोल रहा है कि गोगो दीदी योजना फॉर्म भरिए, हम 2100 रुपया देंगे। गोगो पहले महीने देखिए, गोगो दीदी योजना जो भर रहे हैं ना, उस बोल रहे हैं कि पहले हम जीत जाएंगे उसके बाद हम देंगे, अभी फॉर्म भी भर के रखा हुआ है, जमा नहीं हुआ है, इसीलिए उसमें क्या भरोसा करें हम। अभी मैया योजना हम लोग को बिना जैसे फॉर्म भराया 2 किस्त आ चुका है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का सरकार हेमंत सरकार ही रहे। तो देखिए, कोई मैया योजना लेकर खुश है तो कोई गोगो दीदी योजना का इंतजार कर रहा है, ऐसे में देखना होगा कि झारखंड की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।